मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी यूपी की सियासत की चर्चा जोरों पर रहती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के एक नवनिर्वाचित विधायक का वीडियो वायरल हुआ था। पूर्व सांसद व जौनपुर के केराकत विधानसभा सीट से विधायक तूफानी सरोज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम ठाकुर और ब्राह्मणों को वोट से नहीं जीतने देंगे। दरअसल तूफानी सरोज ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी या फिर बसपा जीत रही है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 95,000 वोटों से जनता हमें जिताकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि हम जीतेंगे, लेकिन हमें ठाकुर, मुस्लिम और भी बहुत सारी ऐसी जातियों के गुट है जिनकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी लिखो लोकतंत्र बचाने की बात की है। हमने कभी नहीं सोचा कि पंडित ठाकुर नाराज़ हो जाएंगे या फिर कोई और गुट नाराज हो जाएगा। सपा नेता के इस वीडियो को बीजेपी के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने शेयर किया है। गौर से आपको बता देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई है। उन्होंने आगे लिखा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम ठाकुरों और ब्राह्मणों के वोट नहीं मांगने और ना ही हम इनके वोट से जीते हैं। हमें लोगों की आवश्यकता है। ये है सपा का असली चेहरा, अखिलेश यादव। बीजेपी द्वारा नेता शेयर किए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है, लेकिन इस तरीके से अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना कि हमें मुसलमान हो गए, ठाकुर हो गए, यादव हो गए, इनकी वजह से नहीं जीतते, हम जीतते अपनी वजह से हैं, तो क्या ये कहना ठीक है या फिर गलत? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।